है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वनडे ब्लॉग। और आज चल रहे हैं अपन गाड़ी की सर्विस कराने। हमारी न्यू गाड़ी की फर्स्ट सर्विस आ चुकी है, चलो चलते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन भी करानी है। चलो लेट्स गो। चलो बाय बाय बाय। चलो आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे। सबसे पहले मेरे को चाहिए पैसे, तो बैंक बैलेंस चेक करके अपना एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। अरे बाप रे, ये मशीन तो लून पड़ी हुई है, तो इस मशीन की बारी। चलो अपना एटीएम लगा देते हैं और पैसे निकालते हैं। प्लीज डोंट रिमूव द एटीएम कार्ड। ये तो मेरे को पता है, तू मत बता मेरे को। तू तो एटीएम के नंबर गिन और मेरे को पैसे दे। ये लो मैंने कर दिया है, अब आएगा पैसा ही पैसा। तो ये प्राइस का बटन है, इसको दबा देते हैं। दबाने के बाद चलते हैं अपने बैलेंस इंक्वायरी पे। बैलेंस इंक्वायरी, चल भाई अपना बैलेंस बता, बैलेंस कितना है। ट्रांसफर प्रोसेसिंग, यस। चलो 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 चलो, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हाँ हे प्रभु गाइस, मेरे साथ धोखा हो गया। अब गाड़ी की सर्विस कैसे कराएंगे अपन? अरे बेटू शांति ले, अपन करवाएगा ना सर्विस तेरी। काय को टेंशन लेता है, चाबी लगने दे। चाबी सही से लगती नहीं, एक तो अपने पास रोकड़ा है रे। खाओ माँ कसम, तेरी अम्मा की कसम। लेकिन आ गए अपन गाड़ी की सर्विस कराने। ये बाइक खोल रहा है गाड़ी का टायर। मेरी गाड़ी का सारा खून निकाल दिया इन लोगों ने। ये देखिए गर्म है, तो बहुत गर्म है अभी, तो काला नहीं हुआ। क्या साहब, गाड़ी परसों लेके गई, इंजन काला कैसे होगा? तुम तो इधर देखो। चलो फाइनली गाड़ी में अपनी कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं थी, लेकिन गाड़ी का सर्विस कंप्लीट हो चुका है। भाई ने कर दिया। भाई कैसा लग रहा है आपको कंप्लीट करके? ये साला 5 मिनट में इसका खून चेंज हो गया, लेकिन अपना साला खून चेंज होता ही नहीं है। ये कैसी प्रॉब्लम है गाड़ी? अरे ये साला मेरी गाड़ी का ये खून पीला पीला कैसे, लाल क्यों नहीं है खून? साहब जी आपकी गाड़ी को पीली हो गया था। चलो फाइनली अपनी गाड़ी ठीक हो चुकी है और गाड़ी का ब्रेक व्रेक सब चेक कर ला भाई। ये भाई ने गाड़ी की सर्विस एक नंबर की है, मेरे को इसको थैंक यू बोलने का है भाई, दिल से थैंक यू यार। अब आ गया अपनी गाड़ी का नहाने का टाइम, इस पे आप शैम्पू वैम्पू लगा रहे भाई। देखो भाई लोग गाड़ी को धोने के लिए सब भी आप शैम्पू लगाते ना, तो शैम्पू में एक गड़बड़ हो जाती। गड़बड़ी यही होती है कि शैम्पू को इस बाल्टी में ना के ये जैसे फवारा मारता है, तो शैम्पू की जागू जाग निकल जाती। ये प्रेशर काफी ज्यादा है, आज मेरी गाड़ी का अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे भाई। धीरे से आराम से ना, मेरा पीक रहा है। इस भाई को मैंने बोला शैम्पू का जाग बना दे, इसने जगूड़ी बना दी, पूरी गाड़ी को रंग दे रहा है। तो अरे सर आप चुप रहो ना, आप देखो ना आपकी गाड़ी कैसी होती है। अरे ओके ओके भाई साहब, मैं तो मजा कर रहा था, आप इसमें दिल पे क्यों ले रहे हो अपनी बातों को? अपने मजाक ही आदमी है, दिल पे लेने का बातों को नहीं। गाइस फिर से फुहारा चालू हो गया गाड़ी का जाग वाग खत्म करने के लिए। और गाड़ी का टायर देखो कितना फास्ट घूम रहे इधर। साला ये पानी का प्रेशर हो तो तेल की जरूरत ही नहीं है। माय गॉड कितना गैस फास्ट घूम रहा है गाड़ी का टायर। मेरे को ये स्पीड काउंट करनी थी, लेकिन मेरे को अंदाजा लगा कि ये समझ में आ गया कि 500 की स्पीड है। गाड़ी तो जकास हो गई भाई, एक नंबर गाड़ी भाई। बहुत धन्यवाद आपका, आपने गाड़ी की सर्विस ठीक कर दी। अपनी गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट है, इस पे एक और कपड़ा मार लेते हैं क्योंकि पानी बहुत होगा, अपनी पेंटिंग के लिए हो सकती है। सो गाइस हम हो चुके हैं हमारे काम से फ्री, चलते हैं घर पे। पहुंच चुके हैं हम घर पे, पहुंच चुके हैं। चश्मा कैसी लग रही है मेरे को बताना, चश्मा कैसी लग रही है? चश्मा की तरफ देखो आप। और गाइस ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये है कट्टा, इसका क्या काम है? चलो मैं दिखाता हूँ, आप मेरे साथ रहो। गाड़ी कैसी हो गई देखो, चकाचक हो गई गाड़ी एक नंबर। चलो इसको यहाँ रख देते हैं। अब चालू करते हैं अपना काम, खुल जाओ सिम सिम। इस कट्टे में मेरे को लेके जानी है बहुत सारी फसल, ये वाली। तो भाई लोग आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, आपका भाई लोग का अकाउंट भी है इंस्टाग्राम पे, तो शिव पांडे 7703 अकाउंट है, तो जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी आपको मजेदार स्टोरीज मिलती है भाई। चलो फालतू की भक्तोदी होट के अपना फसल काटते हैं। अरे इतनी सी ढेर में इतने 3 ढेर लगा दिए मैंने। अब इन सारे चबरूजों को अपने कट्टे के अंदर भर लेते हैं और चलते हैं घर पे, क्योंकि इन सभी को अपनी गायें खाएंगी। ये कट्टा मेरे को डेली लेके जाना पड़ता है भाई लोग, क्योंकि इस कट्टे में रजके की फसल है और इसको हमारी गायें खाती हैं। चलो गाड़ी के ऊपर रख लेते हैं कट्टे को और बैठ जाते हैं अपनी गाड़ी पे। ये लो आ गया घर पे। घर पे आने के बाद अरे बाप रे इसको नाकना भी पड़ेगा मेरे को। अरे डब जा रे डब जा, ये ले तेरा खाना, ये ले वाह। और ये सेकंड वाली डाल रहे हैं थोड़ा धीरे से रखो, डाल रहे हैं ये लो खाओ, ये थोड़ा सा ले लो, तू भी खाएगी ये तेरा, इधर खा लो। और ये दोरिया, ये रुकमा है, ये राम प्यारी है, दोनों के लिए भी मैं डाल रहा हूँ एक मिनट रुक तो जाए।
ये लो खाओ खाओ। ये ले इधर 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 ये इधर। सभी को अपना अपना भोजन मैंने ग्रहण करवा दिया और मैं अभी आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। ये भाई साहब है, दिख रहे हैं आपको ये भाई साहब, इसकी हेयर स्टाइल ऐसे कैसे हो गई है भैया? अरे आप खेती करते हो तो भी बालों को तो सवार सकते हो ना, एक बाल इधर जा रहा है एक बाल उधर जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है किधर जा रहा है। अच्छा आपको आदत है क्या दोनों साइड की? दोनों साइड में जाते हैं बाल तो इनको आदत पड़ जाती है, इसलिए ये भाई साहब ऐसे ही बाल रखते हैं। ओके चलो चलो टाइम पे जाना, मस्त सो जाना। हाँ भाई तू क्या कर रहा है भाई इधर? क्रिकेट। अरे भैया क्रिकेट देख रहे हो आप? क्रिकेट से क्या होता है? आप आज महाशिवरात्रि, यहाँ काम करो ना, ये बालिकाएं काम कर रही है, आपको दिख नहीं रही है क्या? काम पे लगा। अच्छा आपने काम पे लगा रखा है इनको, ये तो गलत बात हो गई भाई साहब। ये भाई साहब भाई से काम कर रही है और आप लोग यहाँ बैठ के देख रहे हो मैच सिर्फ। चलो ठीक है, ये है देवा डाकू। चलो गाइस इस वीडियो में अब तक लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, तो आप बाबा बोले को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना और मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब तो करके जाना ही जाना है। ठीक है बाय बाय, टेक केयर।